हो सतगुर तन 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 बोलो वाहेगुरु तन सारे 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 भिज के आखो सतनाम महापुरशां दा बचन है तीर्थ यात्री ना बने हो तीर्थ यात्री ना बने हो सतसंगी बने हो
तीर्थ यात्री हुंदा आया तीर्थ वेख्या ते गया, सतसंगी हुंदा आके सत नाल जुड़दा है। कई वारी सहज पाठ करिए हैरान रह जी दा, आ जड़ा हर वीरवार कत्तर गुरु तुहानू कराउंदा है सत्संगी बनदे वाग। कबीर जी ने किसे दा लिहाज नहीं कीता, पर कबीर जी ने ऐस दात नूं बड़ा वड्डा किया है, इन्ना वड्डा आख्या कहिंदे सचखंड लभण दी भी लोड़ नहीं, ओ बैकुंठ लभण दी भी लोड़ नहीं, जिथे संगत हो रही उत्थे ही बैकुंठ है। गुरु ग्रंथ साहिब दीआं पंगतियां आण गईआं सहज पाठ करदे, जब लग मन बैकुंठ की आस तब लग होए नहीं चरण निवास, कहो कबीर कहिए काहे साध संगत बैकुंठ आहे, ओ संगत ही बैकुंठ है आखो सतनाम। एक प्रकरण चल रहा है अज बाईवां भाग है, गुरु अमरदास जी कोल कोई सिख आए ने, उन्हां दे नां सुन लो, फिर उन्होंने बेनती की कीती है, सारे कृपा करो खानू अर मैया पित पूत, भाई खानू ते भाई मैया रिश्ता की है प्यो पुत्र है। गुरु अमरदास जी को आए जरा ध्यान कर लो, खानू अर मैया पित पूत कीनो सतगुर दर्शन पूत, आपच प्यो पुत्र ने पर गुरु दे दोवें पुत्र ने, दोवां ने सतगुरां गुरु अमरदास जी दे दर्शन कीते, तीसर मिल गोविंद भंडारी, ये दोवें दर्शन कर रहे थे, इन्हां दे नगर दा ही तीजा सिख आ गया गोविंद भंडारी गुरु अमरदास जी को। तीसर मिल गोविंद भंडारी, बिने कीन हम शरण तुम्हारी, तिन्हां ने बेनती की थी कि गुरु अमरदास जी असी तुहाडी शरण आए हैं। हुण अगली गल मैनू बड़ी अपील की थी, तुसी ध्यान नाल सुनो, उन्हूं आपां पहला सवाल गिण लई, ऐसो गुण कीजे उपदेश, ऐसो गुण कीजे उपदेश, जिसमें गुण होए भले अशेष। हुण गल बड़ी सुनने वाली ध्यान, खानू माइया गोविंद भंडारी तिने सिख आए, गल किड्डी वड्डी कही इन्हां ने, कहिंदे महाराज कोई एहो जिहा गुण दिओ उपदेश विच, एहो जिहा गुण दिओ जिस गुण नूं धारण कर लईए ते बाकी गुण आपे जिंदगी च आ जाए। बड़ी वड्डी गल है, कोई एहो जिहा गुण हैगा जिहनूं धारण कर लईए बाकी गुण आउणे आपे ही शुरू हो जाण।
ऐसो गुण कीजे उपदेश, जिसमें गुण होए भले अशेष। एहो जिहा कोई गुण हैगा जी उहनूं सिर्फ धारण कर लईए ते सारे गुण भले आने शुरू हो जाण जिंदगी। ऐसो गुण कीजे उपदेश, जिसमें गुण होए भले अशेष। हुण साडे गुरु अमरदास जी जिहड़ा जवाब दिता उहनूं जिहड़ा भले बने, एहो जिहा कोई गुण हैगा जिहड़ा लियाईए जिंदगी ते बाकी गुण अपने आप आने शुरू हो जाए। सतगुरु ने की जवाब दिता जी, सुन सतगुर कै बिच इस जगत, इस जगत में सुन सतगुर कै बिच इस जगत, सकल गुणन को सकल गुणन को गुण हरि भगत। जवाब समझो, महाराज कहंदे एक हरि दी भगती, जेड़ा अपने जीवन में हरि दी भगती दा गुण ले आउंदा, जदो हरि दी भगती करदा ते सारे गुण आपे चले आउंदे। सो सतगुर धन 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 धन, सो सतगुर जिन परम गढ़, परम गढ़। सो सतगुर वाहो वाहो जिन हरी दी भगती नाल जोड़िया। सो सतगुर वाहो सुन सतगुर कै बिच इस जगत। उन्होंने कहा कोई एहो जिहा गुण हैगा जिहड़े सारे गुणा नूं खिच के लै आवे। सुन सतगुर कै बिच इस जगत, सकल गुणन को गुण हर भगत। हर भगत हरि दी भगती दा गुण एहो जै ए आ जावे, सारे गुण आपे आ जाए। उन्हें माड़ा पुछया महाराज किवें, वह भी सुन लो। भगत करत सगरे गुण पावे, गुण निदान भगवान रिजावे। हरी दी भगती नाल सारे गुण तां आ जांदे ने के सारे गुणा दा खजाना जदों भगवान मिल गया गुण आपे ही आ जांदे। भगत करत सगरे गुण पावे, गुण निदान भगवान रिजावे। गुण करता जब ही बस होए, गुणा दा करता जदों बस हो गया। गुण करता जब ही बस होए, दुर्लभ गुण पुन रहे न कोए। जदों करता ही गुणा दा हिरदे च भा लिया, भगती जिहड़ी कीती पिछे गुण रह ही नहीं जांदा कोई जिहड़ा ना आवे। सो सतगुर धन धन जिन परम गढ़ तोड़िया, परम गढ़ तोड़िया। सो सतगुर वाहो वाहो जिन हर तोड़िया। जी सो सतगुर वाह।
सतगुर धन धन जिन भरम गढ़ ध्यान देना है इनू अंदर वसायो जे हुणे बस ते जाना है फ्री विलर ते जाना है ते एक दिमाग च बालो जे हरी दी भगती सिमरन करदे जाओगे गुण बाकी आपे चले आउणगे। हुण एक दूजा सवाल कीता जी पहला तुसी सरवण कर जवाब ये भाई खानू भाई माइया भाई गोविंद भंडारी ने दूजा सवाल कीता हरी दी भगती किस रीति नाल करी शायद तुहाडा भी सवाल हो ध्यान कित्थे धरां किवें बैठां अज सुन लिओ हरी दी भगती किस रीति नाल करिए पंक्तियां सुन लो यह जरा क्वेश्चन उन्हें किया ना हरी की भगती किस रीति ना करिए बूझण लगे भगत किस रीत बूझण पूछा उन्होंने तुसी कह दे हरी की भगती लै सब कुछ आ जाएगा बूझण लगे भगत किस रीत करो बतावन उपजे प्रीत महाराज बतावो साड़ी प्रीत बन जाए गुरु अमरदास जी ने की जवाब दिता जी तब सतगुर ने कहे हो बुझाई वो कहते भगती हरी भी किस रीति ना करिए गुरु अमरदास जी की जवाब दें दे तब सतगुर ने कहे हो बुझाई नवदा भगती एक सुखदाई नवदा भगती एक सुखदाई ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭਗਤੀ ਕਿਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਭਗਤੀ ਨੌ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਭਗਤ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਇਹ ਨੌ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੌ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਭੇਤ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੌ ਚੋਂ ਦੋ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਰਾਏਗਾ ਦਸ ਮਿੰਟ ਟਿਕਾਓ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨੌ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ प्रथम सुनो नवदा के भेद ये भेद सुनो भाई प्रथम सुनो नवदा के भेद प्राप्त पे बिनसै खेद जिन्हों ये नौ प्रकार की भगती प्राप्त हो जाए उन्हें सारे खेद दुख मिट जाते महाराज जी वो केड़ी है नौ प्रकार की भगती हूं पिता जी बोलन लगे वेखो कोई धारणा नहीं है कोई श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ दी इतिहासक पंक्तियां साडे लिए सीधी सड़क पहली भगती केड़ी है जी ना मैं पहले बोल देना पंक्तियां बाद बोल देना किसी आम बंदे ने नहीं कही गुरु अमरदास जी ने बोली है वो कहते नौ प्रकार की भगती का भेद दसो महाराज कहते प्रथम सुनो नवदा के भेद प्राप्त पे जिन्हों प्राप्त हो गए बिन से खेद सब खेद दुख मिल जाने गुरु अमरदास जी कहते फिर सुनो वो पहली भगती केड़ी दसी जी देखो कर दे महाराज गुरु अमरदास जी ने पहली भगती दसी सरवण भगती रज के आखो सरवण भगती ये थोड़ा जा ना वेरवा सुनने आनंद बढ़ जाता है अंदरों किंतु परंतु निकल जाता है
मेरे ख्याल इस वेले सरवण भगती कर रहे हो। किस तरह करिए, माड़ा जा इशारा जा भी आ गया गुरु अमरदास जी, पहले सरवण भगती का सुन लो। शरदा सहत गुरु के बैन, गुरु की महिमा शरदा ना सरवण कर। मैं हूं किवें दसा, जरा दिमाग है ना है तो औखा है, कोशिश करे घड़ी ना देखे, मेरी गल समझ। शरदा सहत सरवण भगती किवें करे, शरदा सहत गुरु के बैन, गुरु की मैन महिमा बैन वो गुड़। गल आप जी तक किवें करा, ये जी सोच है ना एहो जी शरदा ली बनावे, तेन फालतू काम ना समझ। ये सरवण भगती कीर्तन सुन रहे हो, दरबार साहब सुन रहे हो, शहीदां सुन रहे हो, इतने सुन रहे हो, तो कीर्तन दरबार सुन रहे हो, तुहाडे दिमाग च ना हो फालतू काम, तुहाडे दिमाग च यह ना हो इन्हें दस हरी किया सी मैंने ता है, इन्हें पांच फोन किए सी ता बस लेके आए, एक शुकराना करे, शुक्र है मैंने एक घंटा सरवण भगती मिली। शरदा सहत गुरु के बैन, सरवण भगती इतना करे। मैं आप जी को किवें समझावां, तीन स्कूल ने जिथे चलो आप जी सेवा लै रहे, कुछ समय की गल है, संपट पाठ के भोग स्कूले जिथे प्रकाश है बाबा जी कमरे पाए गए, प्रिंसीपल नवे कुछ समय की गल है, उन्होंने नहीं सी कोई इन्ना, वो जब भोग च शामिल ना हो अपने दफ्तर ही बैठे रहे, महीने बाद अंदाजा पेंदे ने संबट पाटा के भोग शाही संबट पाट पूरे केसी शाम मर्यादा। वो फिर मैं ना टेबल से बह के प्रिंसीपल के दिमाग च निकी जी गल पाई, मैं कह मैडम दिमाग की सोच ए नहीं रखनी कि संपड़ पाड़ दे भोग ये फालतू काम है, दफ्तर वाला काम ज्यादा जरूरी है, सोच ये रखनी है ये जेडे संपड़ पाठा दे भोग पे ने ओदे सदके ही सारा स्कूल चल रहा है। सोच दी गल, सोच हूं संगत बैठे हो ना, एक है साढ़े महल्ले च भैन एक है ता है सरवण भगती इसने कर रहे, ये सोच इनी उची रखनी है जिस दिन मेरी मौत हो गई ना मां ने साथ देना ना प्यो ने ना भरावां ने ना भैणा ने ना पति ने ना बच्चिया ने, जे किसी ने साथ देना भी है सिर्फ मसाणा तक टाइम कढ़णगे, मसाई दुकान तो घंटा, मसाई दुकान तो कुछ जा कारोबार तो रिश्तेदार, लेकिन आ जड़ी सरवण भगती मैं कर रहा हां मरण तो बाद कोई साथ नहीं देंदा, पर ऐ घड़िया असी बाद च पहुंचते हैं दरगाह च, ये घड़िया तुहाडे तो पहले पहुंच जाती उत्थे साथ देने। सोच चेंज करो, सोच ये दास नहीं कह रहा कोई बोलो, करो सहज पाठ पंक्तियां धर्म राय जब लेखा मांगे है लेख क्या मुख लेके जाएगा,
फिर कहते आ जी सरवण भगती की ना कैद कबीर सुनो रे संतो साध संगत आ घड़िया उसे खलोदिया सजन बन के घड़िया सजन बन के साथ दें मेरी बेनती समझियो गुरु अमरदास जी कहते भी पहली सरवण भगती है गुण होवे शरदा सहत गुरु के बैन गुरु की बाणी गुरु की सिफत शरदा सहत सुने सरवन करे सरवन भगती भगती आ गई सूर्य प्रकाश शरदा सहत गुरु के बैन हूं अगली गल भी बड़ा वड्डा गुण जे सरवन करे सन मुख मन नैन अजा ध्यान सुने भावे एक या दो या तीन ही सांझिया हो सरवन करे जदों सरवन भगती करे किवें करे सन मुख मन नैन जदों सरवन भगती करे ते किहो जी करे अपना मन ते नैन जड़ियां दोवें चीजां ने गुरु नूं अर्पण कर दे इहदा की मतलब है किथे लिखिया ध्यान ना करो देखो प्रतख नैन लफज आया अखां कहिंदे जदों सरवण भगती कर तेरियां अखां दे विच दसां पातशाहियां क्यों जिथे ध्यान करदा ओ गुरु दे चरण वसे आउण गज के आखो सतनाम इहदा आनंद ही हो गया गुर की मूर्त मन में ध्यान गुर के शब्द भी सरवण भगती इंज कर नैन ते मन गुरु दे सन्मुख कर दे पाओ झाती इस वेले जिन्ने सरवण भगती कर रहे हो जे तुहाडे जो कलगियां वाला ध्यान धरदा है कन्नां नाल कथा सुन रहा होएगा मन करके शब्द जप रहा होएगा पर नैना करके ओनू इंज महसूस होएगा जिथे प्रकाश है गुरु ग्रंथ साहब का मेरा कलगियां वाला चौंकड़ा मार के बैठा होया इंज कर ना तेरी पापा की पंड इथे रह जाएगी ता कहीं उदास नहीं कह रहा गुरु अमरदास के इतिहासक बचन जिस इतिहासक ग्रंथ की इतिहासक गुरुद्वारे की कथा होती उन्हां विचों इतिहासक चीज बोल रहे हैं शरदा सहत गुरु के बैन सरवण भगती शरदा नाल कर सतसंग नूं फालतू न समझ इहनूं इंज समझ इहदे सदके मेरा घर चलदा रहे देखो मैनूं कहना नहीं चाहिए पर गुरु परचा ना पावे उहदे प्यार च कह असी जदों साल बाद गुरु लै जावे तरस करके बाबा आनंद सिंह जी की बरसी ते भावना ए लैके जाई दी है बाबा जी एक रात तुहाडी बरसी ते जागण दा सदका साढ़े सारे साल की बैटरी चार्ज होती है सोच सोच बनाउणी मेरे ख्याल काफी इशारा समझ गए हो एक मैं प्रिंसीपल की तुहाडे अगे मिसाल रखी मान लो गुरु साहब के कमरे च भोग पै रहे हैं उहदा उठ के आना भी औखा है पर जदों उहनूं ज्ञान हो गया वो जिहड़े भोग पै रहे हैं उहदे सदके स्कूल चल रहे हैं जे उत्थे अरदास ना होवे इत्थे एक मिंट च कई मुश्किलां खड़ियां होणगियां बस सोच बदलाउण दी कि भाई जिहड़ा तू सत्संग च जा रहे हैं जा रही है इहदे सदके ही पता नहीं केड़े केड़े जिहड़े वड्डे वड्डे महापाप ओ गुरु तेनू पता भी नहीं लगन दे रहा ते तेरे कटदा जा रहा है गुरु अमरदास जी ने जी पहली भगती सरवण भगती दसी दूजी भगती
ना मैं पहले बोल देना पंक्ति बाद बोला। दूजी भगती केड़ी दसी गुरु अमरदास जी ने? कीर्तन भगती। आखो सतनाम। दुतिया कथा कीर्तन करने, दुतिया कथा कीर्तन करने, नीके प्रभु के गुण गण भरने, नीके प्रभु के गुण गण भरने, नीके प्रभु के गुण गण। दूजी भगती है कीर्तन भगत, तुतीय कथा कीर्तन करने, गज के आखो सतना। कीर्तन भगती संत अत्र सिंह जी कहते, किसी ने कहा जी शांति कदों होएगी? कहते उदों होएगी जदों चार बजे, चार बजे बाल्टियां ते डोल खड़कने शुरू हो जाएंगे, उठ के अमृत वेले जुड़ गई संगत, उदों खूह होंगे जी। हूं राजी पानी उन्हें अगर खूह लफज किया, कहते जो खूह के डोल बाल्टियां अमृत वेले, वीरवार आना लियो, एहो जा इनकलाब लियाओ, एहो जा के तुहाडियां धीआं तुहाडियां नूआं तुहाडे घर जिथे तुसी गुरु साहब का कमरा है जां अपने भगती नितनेम की जगह बनाई है, तुहाडियां नूआं जां धीआं आसा जी दी वार ने छे छक्के ही ला लिया। इहदे इक दो शब्द वेखो घर दे किवें नक्शे बदलदे है। कोई यह नहीं बोते राग दो सुर से ही, मैं गुरु के बजन च आ जा कीर्तन भगती। आखो साधना इन ज्यादा लंबा ना करिए, एक होर सांझी हो जाए फिर आप समाप्ति आ। भाई जसविंदर सिंह मैं चलते कीर्तन च बेनती करना, बाबा सुखदेव सिंह जी कमरे च ने, उन्होंने बेनती करके आप जी ले आओ, ते चार पांच मिनट में आप तीजी भगती, तो फिर बाबा जी आप जी को खलो के आज का प्रोग्राम ही सारा हूँ समाप्ति हो जाएगी इस करी, तो फिर नाल ही उधर सचखंड भोग शुरू हो जाएंगे, इतने फिर 9 बजे स्टेज शुरू हो जाएगी, सारी रात रैन सवाई चलनी है, ते वो सारा वेरवा भी वायलना दे तंती साज ते तबले 15 भी चिमटे भी वाजे भी की चाली वो आप करा लैन, कृपा कर दें जिमें भी, ते राती 2:30 बजे लामा भी जे किसी भी साढ़े सलो परिवार को सतना। ਵਿਆਹ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਲਾਈਵ ਨਾਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਜਾਂ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਜ ਖੋਲੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਬਈ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਾਜਾਂ ਨਾਲ ਰੈਮ ਸਬਾਈ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਦੁਬਾਰਾ 9 ਵਜੇ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਜਿਵੇਂ ਵੀ 3:30 ਦਿਨ 4 ਭੋਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਈਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਫਤਿਹ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੀ ਸੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੀਜੀ ਭਗਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਸਰਵਣ ਭਗਤੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵਨਾ ਉੱਚੀ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਫਾਲਤੂ ਕੰਮ ਆਈ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਭਗਤੀ ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ, ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੀਜੀ ਭਗਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ। ਆਪੋ ਸਾਧਨ ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਸਤ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੱਸਦੇ। ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਸਤ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਭਜਨ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਨ ਤੇ, ਅੱਜ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੋ ਇਹ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ। ਤੀਜੀ ਭਗਤੀ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ,
तृतीय सत नाम सिमरंते बिना भजन ने समा बितंते। इहदा की अर्थ है भई सिमरन भगती गुरु अमरदास जी कहिंदे एहो जी आ जावे बिना सिमरन तो तेरा कोई समा बीते ही नहीं। रोटी पकांदियां तू कोशिश करता भी सिमरन भगती हो, कपड़े धोंदियां तां अकाउंट बनांदियां तां भी। आज अरदास करियो मेरे गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु ग्रंथ साहब के प्रकाश वाली जगह से सुरती नाल तुहानू पाया। आज दोवें मुठ्ठा खोल दियो, जिन्नियां संगतां आई हैं साडा आला दुआला नाम ही नाम बन जा। ओ करे कृपा, ओ बख्शिश करे पर हूं फगण ने जेड़ा बीते है वो माघ 12-13 दिन की 14 दिन की पहली गल है। मैनू अपने कीर्तनी जथे ना जेड़े बीबी कौलां भलाई गई, दो जथियां दे मेन मुंडे कहण लगे कहिंदे भलाई केंद्र दफ्तर च कह दिओ भाजी कल गड्डी चाहीदी, असीं नानक साहिब जाणा माघ दे महीने, तुसीं गड्डी कह दिओ। जेड़ा भलाई केंद्र मैनेजर है साडा केपी गड्डियां दा, ओहदे कोल कंट्रोल। मैं कहा जी कह देने जी सत बजे, ड्राइवर भी कह दे सत बजे कित्थे जाना, कहिंदे असीं माघ दे महीने नानक साहिब जाईदा सचखंड दर्शन बाबा जी दा वी घरे माघ च जरूर आवे। मैं कहा नानक साहिब जाना कल किन्ने क बजे, इन्ने बजे निकले, उदों बजे सी जी 12-1 दोपहर दे, अगले दिन जाना सी, कहिंदे रात तक वापस आ जा। दास ने ना फिर हाथ जोड़ के आख्या दोवां जथियां दे मुखी, मैं कहा किन्ने क मैंबर जाने हैं, कहिंदे जी 9 मैंबर। मैं कहा गड्डी लैनी है, ड्राइवर भी, मैं कहा तेल पवा लोगे कि ओही तेल पा लोगे कि ओही पवाई तेल पा लाँगे, कहिंदे। मैं कहा फिर एक भेटा है जे ते नानक सर जाना ना माघ दे महीने की हाजरी भरन, मैं कह एक मैंबर पिछे 101 पाड़ जपजी साहब करना पैना, गड्डी तैयार रहूगी, कभी तां वेखण कभी तां वेखण। मैं कह की गल घबरा गए, अजे 12 बजे दोपहर दे अद्धा पौना दिन पिया, रात पई है, फिर सवेरे तुसी मान लो 7-8 बजे निकलते हो, राज 2.5 घंटे उत्थे तुहाडे 2-4 घंटे वापस फिर 2.5 घंटे 101 पाड़ को बहुते ते है जी, हर मैंबर 101 पाड़ करे। हूं लै जाओ गड्डी, ड्राइवर ने खड़ो गड्डी इशारा लो, गल निकी जी है पर गल बड़ी वड्डी है। वो की कई बार बंदा यह सोचता है मैं जा रहा जी नानक सर, कई बार सोचता है बंदा मैं जा रहा दमदमा सर, कई बार सोचता है बंदा मैं जा रहा जी। अज इत सरूप भी ने लुधियाने के कोल गुरद्वार आलम आलमगीर भी मैं ध्यान, लेकिन अगर रस्ते च बैन ना लाया होवे तो कई बारी तुहाडी धार्मिक यात्रा भी पिकनिक बन जाती है। जे जाना नानक सर आ यात्रा करो, वो भगती का घर है, तुहाडी यात्रा भगती बन जाए। इनू कहते जी आला दुआला नाम, इस तरह के काम करो देखो तो आला दुआला नाम ही नाम होगा, नाम ही नाम।
संगत जी यकीन जाने उन्हें हां करती कहते जी असं 101 पड़क मैंबर करांगे। मैं क्या वापस आके मैनू रुके ते गिणती देनी ना लिख के अगर दसना किन्ने कीते है पहाड़ 101 घट तो घट वध तुहाडी। मैं क्या अरदास मैं आप करांगा शहीदां दे। वो जो यात्रा तो वापस आए उन्हें रुका दिता 909 पहाड़ जपजी साहब दे। असी फिर शहीदां अरदास करती भी आप मेरे बच्चे गए महाराज आप कृपा करी उन्होंने को सेवा। लेकिन उन्हें आगे एक गल कही वो की कहिंदे एकता जड़ा नानक सर आण जाण ते उत्थे सानू जड़ा आनंद आया वो कभी भी नहीं आया। कारण की सी तुरन तो पहला ही आला दुआला नाम ही नाम बनाया। उंज हुंदा राज इत्थे खलोने घंटा चल छकांगे ढाबे तो कोई चल उत्थे भी कुछ छकांगे हो गए मत्था टेके आ गए जी नानक ओ भगती दा घर है। ये बैन ला के जाएगा भी मैं इन्ने पाठ आन जान विच करने ने मैं गुरु की दूरी च कहना तुसी अमृतसर तो चल पे उधरों जपजी साहब पाठ शुरू हो गए सात संगत उत्थे तुहानू नानक सर भी बाबा नंद सिंह और गुरु नानक डिकेगा कोई मेरे सेवादार आ रहे प्यारे आ रहे। अज अरदास करो साडा आला दुआला नाम ही नाम बन बन नाम ही नाम कितना बने इतना। आप भैन जी परमजीत कौर पता नहीं आए ने कि अज के हूं दोबारा भी आना होना तो मैं फोन आया 10-12 दिन पहले कि पता नहीं 20-25 दिन पहले कहते असं कीर्तन करन जा रहे हैं कड़ा शहर है बिजनौर कहते असं उधर 3 दिन लग जाने हैं तो कीर्तन करन जा रहे हैं। फोन से कह लगे असीस रखनी मैं किनिया बच्चिया जे कहते 5 लड़कियां 1 तबले वाला। अच्छा मैं 3 दिन लग जाने दीवान ने अलग अलग जगह कहते मैं फिर एक बेनती है भी आ 3 दिनों च 501 पाठ जपजी साहब करना। कभी फोन से वो कान लावे कभी मैं की गल बोलते नहीं मैं हूं अगों सी हिसाब न ही लैन। लेकिन जदों उन्होंने आके दसिया कहते जेडे 3 दिन अलग अलग जगह बिजनौर के होर इलाकों च दीवान सी एक तो इन्ना आनंद रहा भी मन में सी आ 3 दिनों च 6 मैंबर ने 500 पाठ जपजी साहब हाजरी लाउणी। कहते कोई लड़की कोई बच्ची शताब्दी जे 6 घंटे लगने 5.5 घंटे हर एक हाथ गुटका सी भी मैं हाजरी देनी है। कहते जो एकता कीर्तन से आनंद आया कभी आया ही नहीं इस तरह कार्रवाइया करोगे तो आला दुआला नाम बन जाए नाम सिमरन भगती। एक बार जरा वीर बोलियो एक बार भैणा बोलियो तो लिटल भाई नूं लैंदी बाबा जी साडे वालों जरा कह दो बाबा जी यह थोड़ा टाइम फिर भोग पाईदा आप जी आ जाओ संगतां दे दर्शन बाबा जी कर लेंगे ते संगत एक मिनट टिके रहो हाजर नाजर जे अंदरों कर सकते हो ते अंदरों कर दो बाबा जी मेरे बच्चे मेरा पति मेरी पत्नी मेरा परिवार मेरे घर का माहौल एहो जहा बना दो कि नाम ही नाम आखो सतनाम। महापुरुष बाबा सुखदेव सिंह जी बेनती मनी बाबा जी इधरली स्टेज पर लिया जकारा बुला दो गाई के कोई उठे ना भाई बस एक जकारा भाई बुला दो गाई के वाह वाह एक 2 मिनट च समाप्ति है जी। ये जिहड़ी तीजी भगती सिमरन भगती इस तरह ना घरां दा माहौल बनाओ आला दुआला नाम ही नाम नाम ही नाम
ਨਾਮੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਉਪਜੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਜਗੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਸਦਕਾ ਚਾਬੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਮੁਖੀ ਪੁੱਛੋ ਮੰਡੀ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਆਏ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਮ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਂਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਡੇਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਕਮਾਈ ਇੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਦਸ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋ ਸਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਦਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕੱਲ ਆ ਜੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਮ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ 101 ਪਾੜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਵੇ। ਐ ਵੇਖੋ ਸੋਚ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦਾ 101 ਪਾਠ ਆਪਣਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਕੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਜਾਇਓ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੱਗੀ ਜਾਗ ਵੇਖਿਓ, ਜਾਗ ਲਾਈ ਵੇਖਿਓ। ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ, ਲੰਗਰ ਵੀ, ਸੇਵਾ ਵੀ। 100-150 ਬੀਬੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹੀ ਬੀਬੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਉਹਦੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਫੜੀਆਂ। ਜਰਾ ਜੀ ਵੇਲ ਮਿਲਦੀ ਫਿਰ ਮਾਲਾ ਪੂਰਾ ਸਿਮਰਨ, ਜੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਾਗਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਮ ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਨਾਮ। ਬਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੋਲ ਲਓ, ਬਾਕੀ 6 ਭਗਤੀਆਂ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ। ਤੀਜੀ ਭਗਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਣਾ। ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿਣਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਉੱਠੇ ਨਾ ਜੀ। ਸਤ ਨਾਨਕ ਆਵੇ ਵਾਰੀ ਕਾ